हम लोगों ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पढ़ लिया था तीसरी यूनिट में। अब हमको कुछ तीसरी यूनिट में ही कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई हैं उनको पढ़ना है, कुछ शब्दावलियां हैं जो कि पर्यावरण के ह्रास और पारिस्थितिकी संकट से संबंधित है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। पर्यावरणीय ह्रास और पारिस्थितिकी संकट, इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक, पर्यावरणीय ह्रास और पर्यावरणीय संकट क्या है, पारिस्थितिकी संकट क्या है। पर्यावरण आप जानते हैं, सिंपल सी परिभाषा होती है कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है, चाहे वो प्राकृतिक है या सांस्कृतिक है, वही पर्यावरण है, है ना। प्रमुख स्थान प्रकृति का ही है इसमें, क्योंकि उससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो पर्यावरण का ह्रास का मतलब है कि जो हमारे आसपास की प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनका क्या होना, नष्ट होना, नष्ट होना, उसी को ह्रास करते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं, डिग्रेड होना, समाप्त होना, नष्ट होना, है ना। जैसे पेड़ पौधे हैं जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलती है, तो वनों का नष्ट होना, जल प्रदूषण हो जाना, वायु प्रदूषण हो जाना, तो ये सब हमारे लिए समस्या है ना। पृथ्वी का तापमान बढ़ना, तो ये पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण के जो तत्व हैं उनमें उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उनमें कमी आना ही पर्यावरण में संकट आना होगा, है ना। और पर्यावरण में कमी आना या पर्यावरण का ह्रास होना ही जो है पारिस्थितिकी संकट को उत्पन्न करता है, इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिक परिभाषा क्या है, पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है। पारिस्थितिकी जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ही इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है भौतिक और जैविक तत्वों का आपस में अंतर संबंध। जो भौतिक तत्व हैं और जैविक तत्व हैं, भौतिक तत्व मतलब जो अजैविक चीज़ें हैं और जैविक चीज़ें। पारिस्थितिक तंत्र क्या बताए थे, इकोसिस्टम में बताए थे कि जैविक तत्व होते हैं और क्या होते हैं, अजैविक तत्व। अजैविक में होता है हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य की किरणें हो गई। जैविक में हो गया जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो ये आपस में भी क्रिया करते हैं और ये जैविक और अजैविक भी आपस में क्रिया करते हैं। इसी का जो आप अध्ययन करते हैं इनके बारे में, तो पारिस्थितिकी तंत्र है। और जब इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, है ना। तो यहाँ पे जब पर्यावरण में डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण के तत्व में डिग्रेडेशन होता है, तो कहीं ना कहीं वही जो है पारिस्थितिकी तंत्र में भी समस्या को उत्पन्न करता है, है ना। अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, लेकिन वही वायु जो है यहाँ भी तो है, इकोसिस्टम में भी तो है, वह अजैविक तत्व के रूप में, तो वह पारिस्थितिकी तंत्र में भी क्या होता है, संकट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो पर्यावरण है जब उसका हम अतिदोहन करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण में ह्रास होता है। पर्यावरण की जो चीज़ें हैं उनका आप ज़्यादा ज़्यादा उपयोग करने लगेंगे तो उनमें समस्या होगी, उनकी कमी होगी, है ना।
फिर पर्यावरण ह्रास होगा, पर्यावरण ह्रास होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन मतलब कि जो जीव हैं और पेड़ पौधे हैं और जो भौतिक तत्व हैं उनमें जो बैलेंस बना था वह बैलेंस क्या हो रहा है, क्या बात है, मुस्कुरा कह रहे हो तुम लोग, वह जो संतुलन है प्रकृति का और जो जैविक और अजैविक चीजों के बीच में वह बिगड़ता है और वही जो है पारिस्थितिकी संकट के रूप में सामने आता है, जो आपको ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना, मृदा क्षरण हो गया, वृक्षों का समाप्त होना, वह सब जो है संकट है। तो इनमें से जो संकट हैं उनके कारण हैं, वह कारण दो तरीके के हैं, प्राकृतिक कारण है और मानवीय कारण है। इनमें से हम पहले लिस्ट बनाएंगे और उनमें से कुछ ही हमको सिलेबस में दिया गया है जो कि पढ़ना है। तो ये जो संकट है इनके कारण क्या है, तो कारण दो तरीके के हैं, प्राकृतिक कारण है और मानवीय कारण है। पहले लिस्ट बना लेंगे फिर एक एक पे बात कर लेंगे जो जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो प्राकृतिक जो कारण है वो पहला है बाढ़, लिस्ट बना लीजिए। बाढ़ के बाद है इसमें सूखा, सूखा तीसरा है इसमें, सूखे के बाद है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, फिर है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, फिर इसी में है पांचवा भूकंप, अगला है ज्वालामुखी, नेक्स्ट चक्रवात या तूफान, अगला है वाइल्ड फायर, वनाग्नि, वनाग्नि मतलब वन में अग्नि लग जाना, ठीक है। तो ये कैसे थे, प्राकृतिक कारक हैं। जो मानवीय कारक हैं जो पर्यावरण में संकट उत्पन्न कर रहे हैं उनमें पहला है उपभोगवादी संस्कृत, जिसको आप उपभोक्तावादी संस्कृत भी कहते हैं। दूसरा है इसमें वन विनाश, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन। थर्ड है इसमें प्राणी संपदा का विनाश। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आधुनिक कृषि। नेक्स्ट है मृदा रेचन को इंग्लिश में कहते हैं इग्जॉस्टन, एग्जॉस्ट हो जाना, समाप्त होना। नेक्स्ट सिक्स नंबर है इसमें आति पशुचारण। सातवां है दोषपूर्ण सिंचाई, आठवां है जनसंख्या वृद्धि, आठवां के बाद नौवां है नगरीकरण, दसवां है औद्योगीकरण के बाद है एक है ग्यारहवां खनन का कार्य, खनन
माइनिंग, और एक है बारहवां दिया है बांध निर्माण, बांध निर्माण। ठीक है, इनमें से हमको पढ़ना है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। इधर पढ़ना है, कहाँ गया, मृदा रेचन है ना, और वन विनाश, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये आपके चार जो हैं चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। आपकी इच्छा हो तो आप बाकी भी पढ़िए ना। तो ये प्राकृतिक वाले हैं इधर के, यहाँ तक के प्राकृतिक में बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, वाइल्ड फायर। फिर इधर मानवीय में उपभोक्तावादी संस्कृति, वन विनाश, प्राणी संपदा विनाश, आधुनिक कृषि, मृदा रेचन, अति पशुचारण, दोषपूर्ण सिंचाई, जनसंख्या में वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगीकरण, खनन, बांध का निर्माण। इनसे क्या होता है, ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इन सब से पर्यावरण में और पर्यावरण में नाश होता है, पर्यावरण समाप्त होता है, डिग्रेड होता है, और वही आगे चल के पारिस्थितिकी संकट को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमको चार पढ़ने हैं। ठीक है, लिख लिया सबने, लिख लीजिए। हो गया, देखिए ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, संकट हैं, ये शुरू में नहीं थे, शुरू में नहीं थे, फिर कैसे हो गया ये संकट, समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? समस्या ऐसे उत्पन्न हुई कि पहले जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से तो पर्यावरण का नाश हो ही रहा था। प्राकृतिक जो तरीके हैं उसमें मानव का तो कोई काम है नहीं, प्रकृति स्वयं से ही पर्यावरण को नष्ट करती थी। लेकिन प्रकृति जब नष्ट करती है स्वयं से ही पर्यावरण को, तो वह कुछ समय में उसको ठीक भी कर देती है। हम आपको एक शब्द बताए थे, होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म, समस्थिति समायोजन। वह क्या था, किसी को याद है? किसी को नहीं याद होगा, समस्थिति समायोजन, होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म। समस्थिति समायोजन का मतलब ये बताए थे कि पर्यावरण में कुछ भी, पर्यावरण के पास इतनी शक्ति है खुद में कि अगर उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत छेड़खान होता है तो वह स्वयं से ही उसको क्या करती है, ठीक कर लेती। उसी को कहते हैं समस्थिति समायोजन करना, थोड़ा बहुत समस्या उत्पन्न होना, उसको ठीक से अपने से ही रिकवरी कर लेना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब पर्यावरण खुद से अपने आप को नहीं सही कर पाता, और वह खुद से तब नहीं सही कर पाता जब समस्या गंभीर हो जाती है ना। जैसे थोड़ा बहुत अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया वायरस का हमला होता है तो शरीर के पास इतनी क्षमता है कि वो उसको समाप्त कर सकता है, लेकिन वह जब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक रह जाता है तभी आपको समस्याएं बहुत उत्पन्न होती है, फिर डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है। तो पहले जनसंख्या कम थी आदिमानव के समय में, या हमारे ही आज से लगभग 200-300 साल पहले जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी पृथ्वी पर, 300-400 साल पहले जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो प्रकृति में जितना संसाधन था और जितने लोग थे उतने लोग आराम से अपना जीवन यापन कर ले रहे थे, ना तो ज़्यादा संसाधन चाहिए था प्रकृति से। हम पहले जितना संसाधन प्रयोग करते थे उतना प्रकृति हर साल में पैदा कर देती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं का विकास हुआ तो लोगों का मृत्यु दर क्या हुई, कम हुई, लोग मरना कम हो गए। पहले लोग जितना जन्म लेते थे लगभग उतने मर जाते थे किसी न किसी कारणवश, कोई बीमारी आई तो गांव के गांव साफ हो गए, है ना, बुखार हुआ उसमें भी मर जा रहे थे लोग। अब तो बुखार जैसी चीज़ों में नहीं मरते हैं, बहुत गंभीर समस्या होती तभी मरते हैं। तो मृत्यु दर में कमी आई, स्वास्थ्य, भोजन, सबको भोजन मिलने लगा, पहले सबको भोजन ही नहीं मिलता था तो भुखमरी के कारण भी मर जाते थे।
तो बहुत सारी सुविधाओं का वैज्ञानिक कारणों से विकास हुआ, जिसके कारण जो है मृत्यु दर में कमी आई। तो जनसंख्या क्या हुई, बढ़ने लगी। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन ज़्यादा चाहिए ना, संसाधन ज़्यादा चाहिए, भोजन के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, बैठने के लिए भी चाहिए, सोने के लिए भी चाहिए। तो लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया, लकड़ियों को काट के घर बनाना शुरू कर दिए, खनन का कार्य करना शुरू कर दिए, उद्योग स्थापित हुए। अब सबको ले जाना भी एक जगह से दूसरे जगह, तो परिवहन शुरू हुआ। तो इसके कारण जो है पर्यावरण में जो है जो संतुलन था वो क्या हुआ, धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसी संतुलन के लिए ये सब कारण है, प्राकृतिक और मानवीय। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ रहे हैं मरुस्थलीकरण क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या है। मरुस्थल शब्द सबने सुना होगा, मरुस्थल क्या होते हैं, रेगिस्तान क्या है, वो तो दोनों एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश क्या है उसका, मतलब क्या है मरुस्थल, परिभाषा क्या, किसे मरुस्थल कहेंगे, और तो मानव के रहने के लिए अनुकूल तो पहाड़ों पे भी नहीं है, तो वो भी मरुस्थल है। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पूरे वर्ष में, बहुत कम वर्षा होती है, खेती करना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे बालू पाया जाता है, तापमान दिन के समय में बहुत ज़्यादा रहता है, रात के समय में बहुत कम रहता है। ये सब क्षेत्र कैसे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण मिट्टी जो है मरुस्थल, जो भी आज आप मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं, वो कभी न कभी हरे भरे क्षेत्र थे, मैदान, जैसे आपके यहाँ थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान जो राजस्थान में है, वह पहले क्या था, वहाँ पे पेड़ पौधे थे, हरे भरे क्षेत्र थे। तो क्या हुआ ऐसा, समय के साथ जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो बरसात आदि धीरे धीरे अगर कम होने लगेगी किसी क्षेत्र में, तो जब बरसात कम होने लगेगी तो नमी की कमी हो जाएगी, नमी की कमी हो जाएगी तो जो वहाँ की मिट्टी है उसका अपरदन होना शुरू होगा, हवा के द्वारा और किसके द्वारा, पानी के द्वारा, है ना, ज़्यादातर हवा के द्वारा ही होगा क्योंकि बरसात तो कम होगी ही, बरसात कम हो रही है तभी तो मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। तो हवा के द्वारा मिट्टी का अपरदन होने लगता है, जिससे वह मिट्टी जो है बालू के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। बरसात की कमी के कारण नमी नहीं होती, नमी नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं उगते, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो फिर बरसात कम होगी। जहाँ पे पेड़ पौधे कम रहते हैं वहाँ पे कम बारिश होती है, जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे बादलों को आकर्षित करते हैं, है ना, वर्षा करने के लिए। तो मरुस्थल, ये तो मरुस्थल है, फिर मरुस्थलीकरण क्या है, मरुस्थलीकरण का मतलब यह है कि मरुस्थली जो सामान्य क्षेत्र है जहाँ पे अभी खेती हो रही है, उसका ऐसे क्षेत्र में परिवर्तित हो जाना जहाँ पे मरुस्थल जैसी विशेषताएं क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। जैसे कोई क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ पे मरुस्थल है, इस सर्किल के अंदर क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, है ना। अब अगर समय के साथ ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, इसी गुणवत्ता के आसपास भी क्षेत्र मिलने लगे, तो ये मरुस्थल इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यही है मरुस्थलीकरण, कि जो आसपास की जमीन पहले ठीक ठाक थी वह भी इसके प्रभाव में आकर के वैसी ही होती जा रही है जैसे मरुस्थल था। कैसे हो जाएगी, यहाँ बालू है ना बहुत सारा, यह हवा के साथ इधर भी आ जाएगा, है ना। तो जो बालू है वो जब आसपास फैलता जाएगा, है ना, तो क्या होगा, खेती आदि करने में समस्याएं उत्पन्न होंगी, है ना,
और अगर बरसात भी कम होती रही आसपास भी, तो वह भी धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, तो मरुस्थली क्षेत्र का विस्तार ही होना क्या है, मरुस्थलीकरण है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इससे क्या होता है, मरुस्थलीकरण का कारण वही है कि मरुस्थल जैसी दशाओं का अन्य क्षेत्रों में विस्तार होना मरुस्थलीकरण है। इससे क्या होगा, समस्या ये होगी कि जो उपजाऊ भी क्षेत्र हैं वह भी अब कैसे होते जा रहे हैं, अनुपजाऊ होते जा रहे हैं, तो खेती वाले क्षेत्र में कमी आएगी, मरुस्थली क्षेत्र में रहना कठिन है, तो जीव जंतुओं का नाश होगा, पर्यावरण का नाश होगा। दूसरी बात, जो लोग रह रहे हैं आसपास उनको भी दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं इससे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। जैसे जो थार का मरुस्थल है, पहले वहाँ पे सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, जो कहते हैं सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, तो पहले उस क्षेत्र से सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, अब वो विलुप्त हो गई है। सर जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो हरा भरा रहता है, नदी विलुप्त हो जाएगी तो उस क्षेत्र में बंजर, धीरे धीरे बंजर होती जाएगी अगर पानी वहाँ पे बरसात भी सही से ना हो। और रेगिस्तान जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पे बारिश भी कम ही होती है, उसका कारण हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे कि जो बरसात होती है हमारे यहाँ वो पर्वतीय वर्षा टाइप की होती है, और पर्वतीय वर्षा में जो मानसूनी हवाएं हैं वो पर्वतों से टकराती हैं और क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर्वत है टकरा, यहाँ पे क्या है, पर्वत ऐसा है, तो यहाँ से मानसूनी हवाएं जो चलती हैं वो सीधे इसको पार करके चली जाती हैं, टकराती नहीं है। पर्वतों से जब टकराती हैं मानसूनी हवाएं, जैसे पर्वत है यहाँ चल रही है तो यहाँ टकराती हैं, तो टकरा के जब ऊपर उठती हैं तो बादल बनता है, अगर टकराएंगे ही नहीं तो बादल ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो ये पर्वत है उसको क्या कहते हैं, अरावली पर्वत, क्या है, अरावली। तो अरावली पर्वत ऐसा स्थित है कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो उसके समानांतर चली जाती हैं, टकराती नहीं, जब टकराएंगी नहीं तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी। तो इसीलिए तो जो थार का मरुस्थल है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, है ना। विश्व के एक तिहाई क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं, है ना। और इससे रोकने का क्या उपाय है, रोकने का उपाय यह है कि जो मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे लगाए जाएं, और ऐसी व्यवस्था की जाए कि हवा के माध्यम से वह बालू जो है अन्य क्षेत्रों में प्रवेश ना कर पाए। तो उसके लिए ग्रीन मफलर, एक शब्द है ग्रीन मफलर शब्द, मफलर से क्या करते हैं आप अपने कानों को बांधे रहते हैं, वैसे ही ग्रीन मफलर मतलब पेड़ों के माध्यम से रेगिस्तान के चारों ओर क्या करें आप, वृक्ष ही वृक्ष लगा दें, तो वह क्या करेंगे, वृक्ष मरुस्थली क्षेत्र को बढ़ने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल हो जाएगी, समय लगेगा लेकिन हो जाएगी, लेकिन बारिश कैसे होगी। ठीक है ना। मरुस्थलीकरण के और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो बताए कम वर्षा होना, अगर भूमि और जल का खारापन बढ़ जा रहा है, अगर मिट्टी एसिडिक होती जाएगी, है ना, तो वह भी मरुस्थलीकरण में परिवर्तित होता जाएगा। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको आप जैसे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको आप ख़त्म कर दीजिए, सब काट दीजिए, वह धीरे धीरे मिट्टी मरुस्थलीकरण में बदलती जाएगी, वहाँ की ज़मीन जो है, है ना, बालू में परिवर्तित होती जाएगी। तो पेड़ पौधों को काटा जाना भी मरुस्थलीकरण का कारण है, है ना। अनियंत्रित पशुचारण, जो पशुओं को चराया जाता है मैदानों में, अगर एक ही जगह पे खूब सारे पशु रोज चर रहे हैं तो क्या होगा, जो घास है वो समाप्त हो जाएगी, घास मिट्टी को पकड़े हुए रहती है, जब मिट्टी फ्री हो जाएगी तो हवा के साथ वो उड़ने लगेगी, तो पहले उपजाऊ मिट्टी उड़ेगी, फिर जो है जब उपजाऊ मिट्टी समाप्त हो गई तो वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं,
अब वह मिट्टी धीरे धीरे मरुस्थल बदलती जाएगी, है ना। तो ज़्यादा ज़्यादा पशुचारण, औद्योगिक प्रदूषण, यह भी क्या है, इसके कारण है, अब मरुस्थलीकरण के कारण है, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बारे में बात करेंगे। मृदा अपरदन का क्या मतलब होगा, इंग्लिश में कहते हैं सॉइल इरोजन। अपरदन क्या होता है, सब भी भूल गए हैं आप लोग, अपरदन क्या है, अपरदन और अपक्षय पढ़ाए थे, अपक्षय क्या होता है, जैसे चट्टान है कोई, वह टुकड़ों में विभाजित हुई और यहीं पे अगर रह गई तो वह अपक्षय है, और यह किसी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गई वही अपरदन है। यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु हो सकता है, नदी हो सकती है, हिमानी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मृदा अपरदन मतलब मृदा का, मृदा क्या है, पहले बात तो ये पता होना चाहिए मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, क्या है मृदा, मृदा की परिभाषा क्या है, है ना, जो भूमि नहीं, भूपटल, भूपरपटी पढ़ाए है ना, भूपरपटी क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना जब पढ़ाए थे, है ना, तो जो 0 से 33 किलोमीटर का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, भूपरपटी। तो भूपरपटी का जो सबसे ऊपरी परत है उसी को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, है ना, मृदा कहते हैं। और मृदा लगभग 5 सेंटीमीटर, जो जमीन होता है ना 5 से 10 सेंटीमीटर, जहाँ पे खेती होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर जो ऊपर का क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, है ना। और एक शब्द होता है भूमि। भूमि और मृदा में अंतर है, भूमि और मृदा एक ही शब्द है कि अलग अलग, एक ही, क्यों अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो क्यों है, अगर एक ही है तो क्यों है, अलग अलग क्यों है बताओ, एक ही है क्यों है, एक ही, और कौन बताएगा, सब लोगों को लग रहा है एक ही है, अलग अलग हैं दोनों। देखिए परिभाषा तो बताया आपको, भूपरपटी के ऊपरी परत मृदा है, लेकिन भूमि की भी यही परिभाषा है, फर्क बस इतना है कि जो मृदा है ना, मृदा में आप खेती कर सकते हैं, उपजाऊपन होता है, लेकिन जो भूमि है वो जरूरी नहीं है कि उसमें उपजाऊपन हो, है ना। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते तो वो भूमि है, वो मृदा नहीं कहलाएगा, ठीक है। मृदा वही कहलाएगी जिसमें आप खेती आदि कार्य करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ फसल आदि उपजाते हैं, पेड़ ही लगा है, वह मृदा कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए पर्वतीय मिट्टी होती है ना, लेटराइट मिट्टी होती है। तो मृदा अपरदन क्या है कि जो मिट्टी का उपजाऊपन है वह क्या होना, समाप्त होना, मृदा क्षरण भी इसी को कहते हैं। मिट्टी में उपजाऊपन होता है जिसमें हम विभिन्न फसलों की खेती आदि करते हैं, है ना। मिट्टी में बहुत सारे जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखते हैं, खनिज लवण होते हैं जो कि पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं, जीव जंतु, खनिज लवण और नमी होती है मिट्टी में जो पेड़ पौधों को प्राप्त होती है, इस सब का समाप्त होना ही मृदा अपरदन है। तो मृदा अपरदन नदी के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है, बरसात के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी। अगर किसी जगह पे मिट्टी खुली हुई है, पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, खेत आपका खेत में इस साल बुवाई नहीं हुई है, तो उस खेत में क्या है, पेड़ पौधे नहीं उगाए हैं, न धान लगाए न गेहूँ लगाए, तब वहाँ पर क्या होगा, अपरदन तेज़ी से होगा, बरसात का पानी गिरेगा
और वह मिट्टी को काट काट के दूसरी जगह बहा के ले जाएगा। हवा चलेगी, मिट्टी से खेतों से धूल उड़ेगी और वो दूसरे जगह उड़ जाएगा, तो आपकी खेत की जो उपजाऊपन है वो दूसरे के खेत में पहुंच जाएगी, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो उसको कैसे बचाएं, और क्या कैसे हो सकता है मृदा अपरदन? मृदा अपरदन और कैसे होगा? हम लोग जब बहुत ही ज़्यादा एक ही तरह की फसल, मृदा अपरदन का एक मतलब यह भी है कि उस मृदा की क्वालिटी में डिग्रेडेशन होना, है ना, जो उपजाऊपन है उसका क्या होना, नष्ट होना। तो वह कैसे होगा? ठीक है, तो जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं खूब सारे, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। इसमें एक शब्द इधर था ना, मृदा रेचन। मृदा अपरदन और मृदा रेचन में बस एक अंतर यह है, दोनों में क्या होता है, गुणवत्ता तो समाप्त होती है मिट्टी की, लेकिन मृदा अपरदन में क्या होता है कि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, है ना। जैसे आपने अपने खेत में पानी लगाया, बगल वाले के खेत में भी पानी लगा है, तो आपके खेत से पानी इसके खेत में जा रहा है, तो आपके ज़मीन की जो मिट्टी है वह भी इसके खेत में जा सकती है, है ना, क्योंकि मिट्टी ऊपर ही रहती है तो बह के चली जाती है, है ना। तो ये मृदा अपरदन है। मृदा रेचन क्या है? मृदा रेचन में मृदा वहीं अपने जगह पे ही रहती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी होती है। क्यों? हम बहुत ज़्यादा अगर खाद का प्रयोग करने लगेंगे तो मिट्टी के जो जीव जंतु हैं छोटे मोटे वह नष्ट होते जाते हैं। एक ही तरह की फसलों का बार बार लगाना, फसल चक्र का प्रयोग। फसल चक्र क्या है कि आप फसल बदलते, जैसे वहाँ पे गेहूँ लगाया तो अगले साल गेहूँ नहीं लगाएंगे, कुछ और चना लगा देंगे, है ना, अरहर लगा देंगे, मतलब फसलों को बदलते रहने से क्या होता है, मिट्टी के उपजाऊपन बना रहता है। अगर उपजाऊपन नष्ट होने लगेगा, मिट्टी वहीं पे है, तो उसको मृदा रेचन कहेंगे। अगर मृदा एक जगह से दूसरे जगह पर चली गई तो उसको क्या कहेंगे, मृदा अपरदन कहेंगे, है ना। मृदा अपरदन दो तरीके का होता है, एक होता है परतदार अपरदन और एक होता है नालिका अपरदन। परतदार अपरदन और नालिका अपरदन दो तरीके से क्या होता है, मृदा अपरदन के दो तरीके हैं, एक है परतदार और एक क्या है, नालिका। परतदार अपरदन क्या है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है यह विभिन्न माध्यमों से धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती है। जैसे गर्मी में हवा चलती है खूब जोर से, तो धीरे धीरे वो मिट्टी हवा के साथ उड़ उड़ के जा रही है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो ये जो परतदार अपरदन है, इसमें मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, समय के साथ पता चलेगा धीरे धीरे। नालिका अपरदन क्या है कि उसमें नदी के द्वारा या बरसात का पानी जो है बड़े बड़े नालों के रूप में, आप लोग अगर देखे हों कहीं कहीं, उसको बीहड़ भी कहते हैं, बीहड़ क्षेत्र, जैसे चंबल के बीहड़ क्षेत्र जो है, बीहड़ वहाँ पे जो है, जो नदी प्रवाहित होती है वह बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना के प्रवाहित होती है, है ना, नाली बहुत बड़ी बड़ी, जैसे आप छोटी नाली देखे होंगे वैसे ही मान लीजिए बड़ी बड़ी नालियाँ जो हैं ज़मीन से होकर प्रवाहित हो रही हैं। बरसात में देखते होंगे आप लोग, बारिश होती है तो आपके घर के सामने से छोटी सी नाली अपने से ही बन जाती है, पानी बहता रहता है, वो मिट्टी को काट काट के धीरे धीरे बहाता भी रहता है, देखे हैं ऐसा, वह भी एक नालिका अपरदन है। वो कैसा अपरदन है? नालिका अपरदन है, नाली के रूप में मिट्टी जो है कट कट के बह रही है। नालिका अपरदन पानी से ही होगा, है ना, बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई नदी मौसमी नदी है, बरसात के समय में ही प्रवाहित होती है, तो वह बड़े बड़े मिट्टी के क्षेत्रों को काट काट के बहाती रहती है, ठीक है, तो वह भी नालिका अपरदन होता है। तो दो प्रकार के अपरदन हो गए, नालिका अपरदन और परतदार अपरदन, ठीक है।
मृदा अपरदन के लिए भी दोनों तरह के कारक जिम्मेदार हैं, ज़्यादातर प्राकृतिक कारक ही जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसे खनन का कार्य हम लोग करते हैं है ना, उससे भी मृदा में अपरदन होता है। वर्षा कितनी तेज हो रही है, मिट्टी का अगर विनाश हो रहा है वहाँ भी मृदा अपरदन होगा। ठीक है, फिर अगला इसमें हमको पढ़ना है वन विनाश, वन विनाश फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। वन विनाश तो आप लोग खुद ही जान रहे हैं क्या होता है, जो वन क्षेत्र है उनका नष्ट होना वन विनाश है। कैसे वन विनाश, कारण क्या है, विकास, विकास के लिए सड़क बनाना है तो पेड़ पौधों काटेंगे, घर बनाना है तो पेड़ पौधों को काटेंगे, उद्योगों में प्रयोग हो रहा है, कागज में प्रयोग हो रहा है, तो इस तरीके से वन विनाश करते हैं जिससे समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वनों से ही बहुत सारे लोगों का जीवन यापन भी चल रहा है, जो जनजातियां हैं वो उस पर निर्भर हैं, बहुत सारे जीव जंतु निर्भर है और हम भी निर्भर हैं, ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं। वन नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं उत्पन्न करेंगे तो हमारे पास श्वसन की समस्या हो सकती है ना, और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों, क्योंकि वन ही जो है विभिन्न प्रकार का, जैसे जो मिट्टी, अभी देखें हम लोग मृदा अपरदन पढ़े, उसके पहले मरुस्थलीकरण पढ़े, इन सब में वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों, क्योंकि वन रहते हैं तो वह मिट्टी के आसपास जो अपना पत्ता आदि गिराते हैं वह सड़ के खाद बनती है, उससे मिट्टी के उपजाऊपन बनता रहता है, बढ़ता रहता है ना। तो और बादलों को आकर्षित करते हैं तो बरसात भी होती है, मिट्टी को उड़ने नहीं देते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं वन। क्यों, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं तो इससे मृदा अपरदन नहीं होता है। तो वनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन हम लोग विभिन्न कारणों से पशुपालन के लिए, औद्योगिकरण के लिए, विकास के लिए जो है वनों को क्या कर रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, जो कि समस्या है, हमको उससे बचना है, है ना। फिर अगला जो एक था ये मृदा रेचन, तो वो बताए ही कि जो मिट्टी होती है उसकी वहीं पे स्थित होती है मिट्टी। मृदा अपरदन और मृदा रेचन में अंतर बताए थे कि मृदा अपरदन में मृदा एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि अगर मृदा उपजाऊपन एक जगह से उड़ के दूसरे जगह या बह के चला गया तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाएगी। मृदा रेचन में क्या होता है, जिसको सॉइल एग्जास्ट कहते हैं, उसमें क्या होता है कि मिट्टी वहीं पर रहेगी लेकिन उसकी उपजाऊपन कम होती जाएगी। क्यों, ज़रूरत से ज़्यादा खाद का प्रयोग करने से, ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करने से, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करने से, एक ही फसल का बार बार वहीं प्रयोग करने से, इन सब से क्या होता है, मृदा रेचन होता है, मिट्टी की उपजाऊपन क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। तो इससे सुधार क्या होगा कि फसल चक्र अपनाइए, बार बार फसलों को बदलते रहिए, है ना, कम से कम खाद का प्रयोग कीजिए, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कीजिए, गोबर आदि डालिए वहाँ पे, रासायनिक खाद मत डालिए, जैविक खेती कीजिए, सिंचाई उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना सरकार चला रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सुने हैं ना, न्यूज व्यूज देखते ही नहीं होंगे कभी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना सरकार चलाई है जिसमें किसान जो हैं वो अपनी मिट्टी को, जैसे आप ब्लड सैंपल कराते हैं ना, वैसे किसान मिट्टी का सैंपलिंग करा सकते हैं। कराए हो तुम, जानते हो बस। तो उसमें क्या होता है, मिट्टी में जैसे हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, हर का अलग अलग निकालते हैं कौन कितना होना चाहिए, वैसे मिट्टी में 10 से 12 इंडिकेटर, 10 से 12 चीज़ों को इसमें कैलकुलेट करते हैं लगभग दिन में क्या क्या होना चाहिए, जैसे सूक्ष्म जीव कितने हैं, कैसे होना चाहिए, नमी कितनी है ज़मीन में, ज़मीन की लवणता कितनी है, यह सब इसमें निकालते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कौन सी मिट्टी में कैसी फसल बोनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ अगर गेहूं की फसल बोने वाली मिट्टी नहीं है, हम गेहूं बो रहे हैं तो हमको ज़्यादा खाद आदि डालना पड़ेगा ना उत्पादन के लिए, तो मिट्टी जल्दी नष्ट होगी,
लेकिन वहीं दूसरी फसल के लिए अच्छी मिट्टी है वही, तो वो वाली बोएंगे तो कम और चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे हमारी लागत भी कम होगी और फायदा भी ज़्यादा होगा। तो ये योजना है इसका प्रयोग, लेकिन बहुत लोग कर नहीं रहे हैं, बस हो गया, यही समस्या तो है। तो ये सब जो है पर्यावरण से संबंधित संकट थे, पारिस्थितिकी संकट, है ना। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों पे बात करके इस यूनिट को क्या किया है, समाप्त किया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे अगली यूनिट पे कल, ठीक है। विंड फायर का मतलब है कि जो जंगल, जैसे न्यूज़ सुने रहे होंगे आज से 1-2 साल पहले, लगती रहती है आग। ऑस्ट्रेलिया में वो भयंकर आग लग गई थी वन में। गर्मियों में क्या होता है, पेड़ पौधे हैं गर्मियों में सूख जाते हैं, तो पेड़ पौधे, जब आग का आविष्कार कैसे हुआ था, आदिमानव बैठा था, उसने देखा कि दो पेड़ आपस में टकराए, चिंगारी उठी और आग लग गई। उसके मन में भी आया, वो भी दो पत्थर लिया, ठोंकने लगा, इन चिंगारी उठ गई। तो जंगलों में आग अपने से लग जाती है, तो वो क्या होता है, जो पेड़ आपस में जब टकराते हैं सूखे पेड़, तो उससे चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे आग लग जाती है। वही आग जब फैल जाती है उसी को क्या कहते हैं, विंड फायर, वाइल्ड फायर, विंड फायर नहीं, वाइल्ड फायर, है ना, वन अग्नि। उससे क्या होता है कि बहुत सारा जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और जो जीव जंतु हैं वो भी मर जाते हैं। बहुत ही भयंकर घटना होती है, और इसमें बहुत पारिस्थितिकी पर्यावरण को नाश होता है। इसीलिए खुद ही जो है फॉरेस्ट वाले, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी होते हैं, वो गर्मियों में आप लोग देखते होंगे कि जंगलों में आग खुद से ही लगाते रहते हैं। वो क्यों लगाते हैं, वो पूरे को इकट्ठा करते हैं जो पेड़ पत्तियां सूखी होती हैं, और अपने से लगा देते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल्ड वे में रहता है। आप अपने से पहले से ही आग लगा देंगे तो वो सूखी पत्तियां एक जगह करके आग लगा दिए तो जल गया, तो जब पेड़ पौधे टकराएंगे तो उनमें आग लगेगी भी तो ज़्यादा फैलेगी नहीं, है ना। उसको आप रोक तो सकते नहीं है, पेड़ पौधों को आप जाके पकड़े तो रहेंगे नहीं, इतने लोग नहीं हैं कि पकड़े रहें कि पेड़ को कि टकराने ना पाए, तो सुरक्षा कर सकते हैं ना। विंड फायर बहुत खतरनाक है, वाइल्ड फायर, और भारत में भी होता रहता है जंगलों में, और ऑस्ट्रेलिया में अभी हुआ था कुछ सालों पहले, तो बहुत खतरनाक था, बहुत न्यूज़ में था। तो इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है।